बेबी है, 100 पीस भी है, ये तकरीबन 600-700, ये भी वही रेट है। रेट के तकरीबन हम एक ही रखते हैं, ये भी वही रेट है तकरीबन 550-550, 550। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची सेक्टर 11G में और यहाँ तैयार किए जाते हैं बच्चों के कपड़े जो यहीं फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं और उसके बाद इन्हें फ़रोख्त किया जाता है। तो ये किस तरह तैयार होते हैं, किस कीमत पर इन फैक्ट्रीज से होलसेल मार्केट में सेल किए जाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे पास यहाँ से कपड़ा आने से लेके माल पैक होने तक का सारा काम यही होता है, कटिंग से लेके स्टिचिंग, सिलाई हो गया, प्रेस पैकिंग वगैरह, इसमें जो मटेरियल लग रहा है वो भी सारा काम यही होता है कारखाने में। यहाँ से फिर आउटसाइड जाता है, पंजाब साइड भी जाता है, यहाँ कराची की मार्केटों में जाता है और पिशावर वगैरह। ये सारी फैंसी शर्ट्स हैं जी, ये फैंसी कहलाती हैं जी। इसके साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए 18-20-22 वो 500, और इससे बड़ा साइज़ देखेंगे 24-26-28 वो 600-700 रुपये तक का जाएगा। ये 600-700 रुपये जो है वो आप आगे जी जी उनको फिर आगे सेल जी। और इसके मार्केट में प्राइस क्या होता है? मार्केट में फिर वो अपना प्रॉफिट जैसा बंदा होता है उस हिसाब से अपना प्रॉफिट रख कर दे देता है। अच्छा, वो लोग जो अपना ऑनलाइन घर में बैठ के काम करना चाहें और आपसे खरीद कर ये आगे सेल करें तो उनको कम से कम कितने पीस आप फॉलो करेंगे? क्वांटिटी में माल हो तो फिर अगर मिसाल के तौर पर कम से कम भी दर्जन या दो दर्जन, सिंगल पीस में अवेलेबल नहीं होता, कम से कम भी 6 पीस का पैकेट होता है हमारा। 6 पीस का पैकेट में एक ही डिज़ाइन होगा या मुख्तलिफ? डिज़ाइन एक ही होगा, कलर मुख्तलिफ होंगे। ये 450-550, 650 साइज़ के हिसाब से। ये थोड़ा सा ऊपर रेट पे जाता है, ये सोबर डिज़ाइन है, इसमें फाइन नेट लगी हुई है, अच्छी क्वालिटी वाली जो कहलाती है। सोबर पीस भी है, ये तकरीबन 600-700, ये भी वही रेट है। रेट के तकरीबन हम एक ही रखते हैं। कितने साल तक की बच्ची है? ये तकरीबन 4-5 साल की बच्ची है। ये तो हमारा सैंपल पीस है, मार्केट से खुद परचेज करते हैं। ये 700-800 रुपये तक का पीस बनता है बड़े साइज़ों में। ये थोड़ा सा हल्की क्वालिटी है जी, ये 350-450 इस रेंज का माल है आप देते हैं जी। ये तो चाइना पीस है, ये जो है ना सैंपल के लिए परचेस करते हैं हम, यहाँ कारखाने की सैंपलिंग जो करनी होती है वो इसके ज़रिए करते हैं हम। किस तरह की अगर कोई आपसे बनवाना चाहे? जी वो बन जाएगा, कोई मसला नहीं। कितने की? अब ये तो सारा ऑल ओवर डिपेंड करता है कि इस पर रेट निकलेंगे बाद में कटिंग होने के बाद। अंदाजन नहीं, ये 1000 से ऊपर का। अच्छा, ऊपर तक जी। नेट कैसी है? ये एक्सपेंसिव नेट है। ये सारे हमारे हैं वो रेड, हाँ ये हमारे अपने कारखाने का तैयार हुआ पीस है। ये भी 550 जी। ये भी वही रेट है तकरीबन 550-550, 550। ये फाइन नेट इस्तेमाल हुई है और इसमें मलाई पॉलिस्टर इस्तेमाल की गई है, साटन है, और इसमें फैशन के लिए इसमें फुटबॉल जाली और चाइना की लेस इस्तेमाल की गई है इसमें। ये भी वही प्राइस है जी जी जी। ये हमारा अपना माल है, ये भी वही रेट है, रेट वही 550-600 जी। किस में कितने कलर होते हैं? एक आइटम में 3 कलर भी होते हैं और 4 कलर भी होते हैं। ये भी 550-550। अच्छा, आपके पास बेबीज़ के फ्रॉक वगैरह तैयार होती है? जी बेबी की फ्रॉक तैयार होती है। बाबा की नहीं? नहीं बाबा नहीं, सिर्फ बेबी है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है हमारा, इसमें काम ज़्यादा है, इसमें टिशू का गेयर लगा हुआ है, फ्रीले लगी हुई है, 650 और 750 के रेट जाते हैं इसके। हमारे पास जो ख़रीदार होते हैं वो ज़्यादातर पंजाब के होते हैं, लाहौर जी होल सेलर हैं सारे, लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, पिंडी से।
अच्छा, कम से कम अगर कोई खरीदना चाहे तो अंदाजन कितने तक की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर आपके डेली के लिए? अगर कम से कम पंजाब साइड वाला कस्टमर ख़रीदेगा तो इसको एक पूरा कार्टन लेना पड़ेगा, जिसमें कम से कम भी 1 लाख से 1.5 लाख का माल आता है। कराची का अगर कोई खरीदना चाहे वो जितना चाहे यहाँ पे अगर खुद उठा सके वो। अच्छा, चलिए नंबर वगैरह बता दें अगर आप से कोई ऑनलाइन रब्ता करना चाहे, अपना नंबर बताएँ। नंबर का कार्ड मैंने दे दिया है, कार्ड का नंबर नंबर 0310-1183-854। यही बेबी का काम होता है गारमेंट्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हैं, जैसे कि अभी पॉलिस्टर है और इसके अलावा मलाई भी होता है, पोलार चल रहा है, भी गर्म सर्दी का आइटम चल रहा है ज़्यादातर। क्या बन रहा है आपके पास, क्या काम होता है? अभी मेरे पास बेबी का काम हो रहा है। मतलब कटिंग होती है, क्या होता है? मेरे पास कटिंग ही होती है, फिर कटिंग होने के बाद ये मुख्तलिफ़ जगह पर जाता है, जैसे कि प्रिंट हो गया, प्रिंट के बाद फिर सिलाई, फिर प्रेस पैकिंग, इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। ये यहाँ पे सिलाई हो रही है, ये माल जो नीचे कटा था वो अब यहाँ ऊपर आके सिलाई हो रहा है। ये कौन से कपड़े तैयार हो रहे हैं? ये सर्दी के हिसाब से माल तैयार हो रहा है, गर्म का माल कहलाता है, इसमें असल लग के माल बनता है जिससे बच्चे को सर्दी ना लगे। ये बेबी है, बाबा है, बेबी है। कपड़ा वगैरह जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, इसमें पॉलिस्टर कपड़ा इस्तेमाल हुआ है और गरमाइश के लिए इसमें पोलार इस्तेमाल हुआ है जो अस्तर में लगा है इसे। ये एक दिन में हमारे तकरीबन 300 पीस और 400 पीस तैयार होते हैं। यहाँ से मुकम्मल तैयार होकर यह माल जाता है? मुकम्मल तो हमारा पूरा जो लाड होती है वो 2 दिन लेती है हमें। ये इसकी कॉस्ट अभी सर ये ऐसा है कि ये माल हमारा आगे आने वाले वक्तों में खुलेगा तो इसकी कॉस्ट का अंदाज़ा हम आगे लगाएंगे। अंदाजन अगर कोई इस तरह के सिलवाना चाहे तो कितने तक का उसको एक पीस ही पड़ेगा? ये मैं एक आइडिया बता सकता हूँ आपको, आइडिया बिल्कुल ये 350 से 400 के अंदर अंदर ये। अच्छा, 350-400 के अंदर जी। और अगर कोई ऐसे सिलवाना चाहे तो कम से कम कितना पीसेस का ऑर्डर दे सकता है? इसमें कम से कम 50 दिन की लॉट होती है, 600 पीस का ऑर्डर होता है। अरे, मेरा नाम है अब्दुल बासित और मेरी फैक्ट्री में जो है मतलब है कि स्मोकिंग का काम होता है और परल मोती का काम होता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है ना। तो असल जो मेरी जो फील्ड है वो स्मोकिंग के मुतालिक है, स्मोकिंग जिसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन है और ये मतलब है कि बच्चों की फ़राकों में होता है, ये अलग 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 मुख्तलिफ डिज़ाइन है ना, ये मुख्तलिफ सी डिज़ाइन है इस बच्चों की फ़्रॉकों में इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, बच्चों की फ़्रॉकों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये तो विदाउट जो है मतलब है कि चुन में है और ये चुन में भी बन सकती है जिस तरीके से ये मैंने बनाया है ना। मतलब लोग आपसे ये ऑर्डर पर बनवा सकते हैं? ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। कम से कम कितनी क्वांटिटी आप ये ऑर्डर पर बना के देंगे? ये तकरीबन जितनी मतलब है कि हो, ये 100 दर्जन से 100 दर्जन तक हाँ एक बना देते हैं हम। अच्छा। किसी को मना नहीं करते क्योंकि सैंपल बनेगा तो ऑर्डर मिलेगा, चाहे एक पीस क्यों ना बनवाए वो हम बना देते हैं, मना नहीं करते। एक पीस बनाने आते हैं? हाँ हाँ, सैंपल के तौर पर, सैंपल के तौर पर हम उनको बना देते हैं, कोई मतलब है कि चार्जेस वगैरह नहीं होती सैंपल बनाने के। ये सिर्फ फ्रॉक में इस्तेमाल होती है डिज़ाइनिंग की और किसी में भी इस्तेमाल होती है, जैसे मिसाल के तौर पे दुपट्टे में भी बन जाती है, फ्रॉक में भी बन जाती है, और ये कि लेडीज़ जो पांचे होते हैं उस पर भी बन जाती है, आस्तीनों पे भी बनती है ना। अच्छा, इस मशीन पे जो है ना 12 तो ऊपर लगे हुए हैं और 12 लूपर लगे हुए हैं ना, और 10 धागे जो है ये डिज़ाइन के लगे हुए हैं, 10 धागे वो डिज़ाइन के लगे हुए हैं। इसके अलावा एक मशीन हेवी भी है, उसमें 33 ऊपर लगते हैं और 33 लूपर लगते हैं, टोटल हो गए कितने 66 धागे ना, और तकरीबन 36 धागे जो है वो डिज़ाइन के लगते हैं। तो वो भी जो है ना मतलब है कि अभी उसका काम ना होने की वजह से वो मशीन ऊपर रखी हुई है। ये स्मोकिंग डिज़ाइन कहलाती है ना, और डिज़ाइन नंबर 222 नंबर है जो ये मैंने अभी निकाली है। इसमें तकरीबन 24 और 10 34 धागे लगे हैं। 34 धागे हाँ। तो अगर कोई आपसे सिलवाए तो कम से कम जो है वो कितनी क्वांटिटी होगी और किस हिसाब से होगा? तकरीबन 100 दर्जन की तो क्वांटिटी होनी चाहिए ना। अच्छा, आपने ऊपर जिस मशीन के ऊपर अभी वो
मोतियाँ लगाई थी, उस मशीन के बाद बताइए वो मशीन क्या कहलाती है और किस तरह से वर्क करती है। अच्छा, वो कहलाती परल मोती जो है ना, परल मोती वो कहलाती है। और ये है कि उसमें जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पे फूल है तो फूल के अंदर भी जो है ना वो मोती लगाने होते हैं, पत्तियां हैं तो पत्तियों के अंदर भी मोती लगाने होते हैं, जैसे कार्टून बना हुआ है तो कार्टून के मतलब है कि बाउंड्रियों के ऊपर भी वो मोती लगाने होते हैं। और मुख्तलिफ कलर भी मार्केट से मिल जाते हैं, और हमने जो अभी लगाए थे वो हाफ वाइट कलर के मोती थे ना, तो इस वक्त हाफ वाइट कलर के मोती की जो है डिमांड है, इसलिए हमने वो चलाए हर कपड़े पे, क्योंकि हमारा काम जो है ना वो प्रोफेशनल है, हमें हर कपड़े के ऊपर बनाना होता है ना, काटन भी आ जाता है, जाली भी आ जाती है और जींस का कपड़ा भी आ जाता है। हाँ, बन जाता है। पर्दों बन जाता है। अच्छा, बताएँ स्वाद रहे जैसा आपने कहा।